नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने संगीत से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। तो फर्स्ट वीडियो में हारमोनियम के हमने सीखा था कि कौन सी स्केल से हमने सप्तक को बजाना है, सात स्वरों को, शुद्ध स्वरों को बजाना है। तो आज के दूसरे दिन की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि दूसरे दिन आपने, पहले दिन तो आपने किया था आरोह, यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ते हुए क्रम में सात सा से लेकर तार सप्तक के सा तक रियाज, जिसमें मैंने आपको फीमेल स्केल और मेल स्केल से बताया था। फीमेल स्केल मैंने पांचवे काले से आपको बताया था, 1 2 3 4 5, और फिर मेल स्केल से पहला काला, फर्स्ट ब्लैक, 1 2 3 4 5 और 6 को मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ब्लैक इसको मानते हैं, पहला काला इसको बोलते हैं। और बहुत सारे दोस्त यही पूछते हैं कि सर पहला काला कौन सा है, तो ये पहला काला है, आप देख सकते हैं ये हमारा पहला काला है, ये वाला पहला काला है, 6th नंबर का ब्लैक जो है वो हमारा पहला काला है। और बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि सर दूसरा काला, तीसरा काला, तो यहाँ से आप जितने आगे ब्लैक को बनाएंगे, जितना मध्यम से आप बनाएं, क्योंकि ज़्यादातर ट्यूनिंग में ज़रूरत होती है, जब तबला ट्यून करना है या किसी और इंस्ट्रूमेंट को ट्यून करना है, तो बीच वाले मध्य सप्तक को, यानी कि मध्य वाले सप्तक को, सात स्वरों को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से लेकर फर्स्ट ब्लैक, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये पांचवें काले तक हमारे स्वर होते हैं। यानी कि लोग पूछ भी सकते हैं, जैसे पहला काला, दूसरा काला, तो सीधी सी बात है, 1 2 ये पहला काला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, फिर फर्स्ट ब्लैक आ जाएगा आपका। तो ये तार सप्तक वाला पहला काला है, तो ये मध्य सप्तक वाला पहला काला है। मेल स्केल के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि ये हमारा है सी शार्प, सी शार्प पहला काला, तो नीचे है हमारा, ये भी पहला काला है, इसको भी पहला काला बोलेंगे। तो बस इसको समझ ले, ये नीचे वाला स्केल है, ये मध्य वाला है और ये तार वाला ऊपर वाला स्केल है, तो बस इतना याद रखना है आपने। और अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैंने फर्स्ट डे आपको पहले काले से बताया था कि सा तक कैसे बजाना है, किन उंगलियों से बजाना है, तो आज आपने प्रैक्टिस करनी है आरोह की। तो आपने कर ली, यानी कि आरोह उसको बोलते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, सा से सा की तरफ जाना, ऊपर की तरफ स्वरों को बजाते हुए जाना। अवरोह में सा से ऊपर तार सप्तक वाले सा से नीचे की तरफ सा तक आएंगे। अब कैसे बजाना है, अब आपने ध्यान में रखना है कि कौन सी उंगली से बजाना है, वो आपने वैसे ही बजाना है, नहीं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। अब बजाना कैसे है, देखिए, पहले तो हम ऊपर की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने कैसे बजाना है। यानी कि आपकी पहली उंगली सा पर, दूसरी उंगली रे पर, गा पर, अंगूठा, मा पर पहली उंगली, पा पर सेकंड उंगली, धा पर थर्ड उंगली, नी पर आपका अंगूठा, सा पर पहली उंगली। तो ये मैंने आपको बता दिया था, ऐसे ही इन्हीं उंगलियों से आपने नीचे की तरफ आना है। पहली उंगली सा पर, नी पर अंगूठा, धा पर आपकी थर्ड फिंगर, पा पर सेकंड फिंगर, मा पर पहली उंगली, गा पर अंगूठा, रे पर सेकंड फिंगर और सा पर फर्स्ट फिंगर। ऐसे ही जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ गए, वैसे ही नीचे की तरफ आना है, बस इतना आपने ध्यान में रखना है। अब फीमेल स्केल की बात कर लेते हैं। फीमेल स्केल में हम नीचे से शुरू करते हैं, यानी कि उनकी जो स्केल है वो नीचे से ज़्यादा शुरू होती है, क्योंकि वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में गाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर रियाज से वो ऊंची स्केल में भी लेडीज़ गा सकती हैं। तो पहले तो वो नीचे स्वर ज़्यादा प्रयोग में करते हैं, यानी नीचे उनका रियाज करवाया जाता है। तो ये पांचवें काले से मैंने आपको बताए थे स्वर, यानी कि तो ये मैंने आपको बताया था कैसे बजाना। देखिए, सा फर्स्ट फिंगर, रे अंगूठे से और गा फर्स्ट फिंगर, पा सेकंड फिंगर, धा अंगूठे से, सॉरी पा, ये आपका पा है,
तो पा आपका अंगूठे से, धा फर्स्ट फिंगर से, नी आपका सेकंड फिंगर से, और सा थर्ड फिंगर से। ऐसे ही आपने नीचे की तरफ आना है, सा सेकंड फिंगर फर्स्ट फिंगर, अंगूठा सेकंड फिंगर फर्स्ट फिंगर, आपका अंगूठा फर्स्ट फिंगर। आप इसके साथ अगर रियाज करना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, तो और बेस्ट होगा, जिससे क्या है आपका जो गले का रियाज भी हो जाएगा। कैसे? सारे ऐसे ही मेल स्केल वाले भी रियाज करें। तो अगर पहले काले से आपको आपके गुरु ने बोला है, और अगर आपको लगता है कि मैं आसानी से सा तक जा रहा हूँ, ऊपर वाले तार सब तक सा तक जा रहा हूँ, तो आपने यहाँ तक पहले काले से ही रियाज कर लेना है। तो इससे क्या होगा, आपके शुद्ध स्वरों का रियाज हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा दिन था जिसमें मैंने आपको बताया कि अवरोह को भी कैसे बजाना है। अवरोह में वही उंगलियाँ यूज करनी जो आपने आरोह में की है, यानी कि आरोह में आपने सा से लेकर सा तक आपने गाया उसे, और फिर सा से नीचे तार सप्तक वाले सा से नीचे वाले सा मध्य सप्तक वाले सा तक आप वापस आए, और उंगली उन्हीं उंगलियों से आए जो आप आरोह में गए थे, और अवरोह में उन्हीं उंगलियों से उन्हीं स्वरों पर, उन्हीं उंगलियों से उन्हीं स्वरों पर वापस आना है। बस इतना ही आपने ध्यान में रखना है। तो ऐसे आपने रियाज कर लेना है। फिर धीरे धीरे आपने स्पीड को बढ़ाना है। कैसे, वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। पहले पहले काले से बता रहा हूं मैं, पहले आपने स्लो स्पीड में बजाना। कैसे? फिर आपने थोड़ी थोड़ी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, जहां पर आप कंफर्टेबल महसूस करें। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि आपका हर स्वर में जो डिस्टेंस है, यानी कि टाइमिंग की जो दूरी है, वो सेम होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी स्वर को ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं और दूसरे को कम लगा रहे हैं। तो एक जैसा टाइमिंग में आपने चलना है पहले पहले। अब थोड़ा स्पीड में और बजाते हैं। फिर धीरे धीरे और स्पीड को बढ़ाना है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी बन जाएगी। और स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे आपकी स्पीड धीरे धीरे, जैसे जैसे आप बढ़ाते रहेंगे, आपका जो रियाज है हारमोनियम पर बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही फीमेल स्केल से आप रियाज कर ले, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ा ले। तो आपने जो पूछा था कि सर हारमोनियम की ही प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये कहा सर हारमोनियम की ही करनी है, और कुछ स्टूडेंट ने ये कहा कि सर हारमोनियम के साथ हमने गाने की भी करनी है। तो देखिए, शुद्ध स्वरों को आप सपाट यानी कि सीधे स्वर को लगाने के लिए हारमोनियम में इसको प्रयोग कर सकते हैं, बट अगर जब रागों की बात आती है तो उसमें बहुत सारे स्वर ऐसे होते हैं, तो कुछ तो इन स्वरों से थोड़े नीचे होते हैं, कुछ ऊपर होते हैं, यानी कि थोड़े से चढ़े होते हैं और थोड़े से उतरे होते हैं हारमोनियम में। तो वो प्रॉब्लम आती है कि हम उस राग को सही ढंग से नहीं गा सकते। तो इसलिए कोशिश करनी ही है आपने, अगर तो स्पाट स्वरों में यानी कि सीधे स्वर को लगाना है, तो आप शुद्ध स्वरों में अगर रियाज करें तो हारमोनियम के साथ कर लें। बट जब रागों की बात आएगी तो रागों में आप इसे प्रयोग ना लाएं, क्योंकि इससे क्या प्रॉब्लम होगी कि जो सही स्वर लगाव है राग का और सही जो उसका भाव है, वो हारमोनियम पर नहीं दिखेगा। बट अगर आप हारमोनियम की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप भाव भी दिखा सकते हैं, बट वो प्रॉपर नहीं आपका दिखाई देगा। हाँ, प्रैक्टिस करने से आप कुछ उस भाव वो आप दिखा सकेंगे। तो आपने धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करनी है।
तो मैंने आज आपको बता दिया कि आपने अवरोह और आरोह की प्रैक्टिस कैसे करनी है, फीमेल स्केल पांचवे काले से और पहला पहले काले से। तो बस ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिए, दूसरे दिन धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाइए, और ऐसे आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपके हारमोनियम की प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपकी उंगलियाँ अच्छे ढंग से चलेंगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट ज़रूर करें, और जिसमें आपको कुछ मैं नया सिखाऊंगा हारमोनियम को कैसे नेक्स्ट डे में आप कौन सा रियाज करें। तो देखते रहिए, धन्यवाद।